Yeah, yeah. Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a dog. They don't want it, yeah. They scared of what I know. हेलो सोए मोनिशा का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए मेरा मेन दिवाली का स्टैश जो कि इस दिवाली के लिए, और ये टोटल मेरे को पड़ा है अराउंड 20,000 रुपीज़ का। और ये वीडियो मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो है मेरे चैनल पे, मतलब आज तक मैंने 20,000 रुपीज़ तक के पटाखे नहीं लिए। ये पॉसिबल हुआ सिर्फ आप लोग के सपोर्ट की वजह से, तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आपने मेरे को स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सपोर्ट किया है। तो आज की वीडियो में मैं 20,000 के पटाखों को अनबॉक्स करने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, और आज की वीडियो को अपन लाइक एम रखते हैं 5,000 लाइक्स का। मैंने आज तक 5,000 लाइक्स नहीं मांगे, बट आज कर दो आप लोग, ठीक है। 5,000 लाइक्स का टारगेट है, देखते हैं अपन कब तक पहुंच पाते हैं। और इंस्टाग्राम पे मेरे को ज़रूर फॉलो कर देना, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स दे देता हूँ अबाउट माई अपकमिंग वीडियोस। और वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली बनाना। और अगर पटाखे फोड़ रहे हो तो यार ज़्यादा रिस्क मत लेना, और अगर पटाखे नहीं फोड़ रहे हो तो आप मेरी वीडियोज़ देख के इन्जॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो भाई ये है मेरे सारे पटाखे वर्थ रुपीज 20,000 फॉर 2021। इस दिवाली के लिए इतने सारे पटाखे हो गए, और भाई मैंने सारे पटाखों को एक एक डब्बों में डाल दिया। जैसे इस डब्बे में सारे यूनिक है, मतलब जो हर कोई दिवाली पे जला सकता है, जैसे चक्री हो गई, अनार वगैरह हो गए, ठीक है। और एक स्काई शॉट रॉकेट है, ये डब्बों में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत बड़े है स्काई शॉट से, तभी मैंने इनको सेपरेट में कर दिया। देन इसमें है अराउंड स्काई शॉट, सारे स्काई शॉट की ये पेटी है, देख लो भाई बहुत बड़ी है, बहुत ही भारी, सबसे भारी तो यही है कि स्काई शॉट बहुत भारी होते हैं। देन लास्ट ये नीचे जो भी आवाज़ वाले पटाखे हैं वो सबसे नीचे वाले में, ठीक है, इस वाले में नीचे में रखा है, ठीक है। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। तो भाई पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्काई शॉट से ही। तो यार ये देखो, ये बहुत भारी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा भारी है। और ये बिकानो का डब्बा मैं ले आया हूँ, क्योंकि और कोई को डब्बा मिल ही नहीं रहा था, तभी इसी में मैंने सेपरेट में डाल दिया। और अगर मैं इनका टोटल आपको प्राइस बताऊं, ये सारे 20,000 के नहीं है, मतलब अभी तक मैंने अराउंड 3,000 से 4,000 रुपए तक के पटाखे मैंने जला चुके हैं, जो भी अपन टेस्टिंग वीडियो किए थे उसमें जल गए। और अभी दिवाली के दिन मैं अराउंड 2,000-2,500 तक के पटाखे लूंगा, ठीक है। तो इनका अगर अपन वर्थ बताएं अराउंड 14,000 to 15,000 होंगे, जिसमें से मैंने अराउंड बहुत सारे पटाखे जला भी दिए, क्योंकि हम लोग ने 12 पार्ट बना चुका है अभी तक, तो उसमें काफी सारे पटाखे यूज हो गए हैं, ठीक है। तो पहले अपन इस स्काई शॉट से चालू करते हैं, और दिवाली के एक दिन पहले अपन खरीदने भी जाएंगे पटाखे, तो वो वाली वीडियो आप लोग तो मिस करना ही मत। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो पहले अपन इसी को ओपन करते हैं, स्काई शॉट वाला है। ऑलराइट, तो भाई ये ओपन कर लिया मैंने, भाई काफी ज्यादा भारी पेटी है। तो ये देखो, पहले अपन एक ही स्काई शॉट निकालते हैं। ओके, तो यार ये है ब्लेजिंग हॉट, और ये सारे मैंने आपको पटाखे ऑलमोस्ट सारे दिखा चुके हैं, जो भी अपन जैसे 5,000 के बनाए थे उसमें ये सारे अनबॉक्स किए थे मैंने। स्काई शॉट का मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारे मैंने जो भी स्टैश अभी तक अनबॉक्स किया है सबका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले स्काई शॉट दिखा दूँ, ये पहले ब्लेजिंग हॉट, इसको यहाँ रखते हैं। देन अब आते हैं IPL एडिशन के, ये KKR का है, ठीक है, यहाँ रख दिया। ये है मुंबई इंडियंस का, ठीक है, ये यहाँ रख दिया। और ये है हॉट ब्लैक सन ब्रांड का। तो ये चार स्काई शॉट्स हो गए। इसके बाद एक और पड़ा है, वो शायद इस डब्बे में मैंने डाल दिया था क्योंकि ये डब्बा भर गया था। तो अगर मैं इसका आपको रेट बताऊं, ये अराउंड 230 रुपीज का है, ठीक है। और ये वाला 220 रुपीज का है, मुंबई इंडियंस का। KKR का भी 220 का है ये वाला। और RCB का पड़ा है, वो शायद इस डब्बे में मैंने डाल दिया क्योंकि काफी ज्यादा भर गया था। और ये वाला अराउंड है 250 रुपीज का, ठीक है, ये वाला सबसे महंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा शेल है इसका। तो ये हो गए चार स्काई शॉट्स। और मैं आपको सबका रेट तो नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो अराउंड आधे घंटे तक खींच जाएगी, तो अपन इतना तो नहीं खींचेंगे, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है। और इनके सबका मैंने रेट एक सेपरेट वीडियोस में बताया हुआ है, स्काई शॉट की वीडियो में सारे स्काई शॉट्स का बता दिया, ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख लेना। देन आता है ये 30 शॉट्स, और ये मैंने लिया था अराउंड 400 रुपीज का, काफी बढ़िया पीस है। इसको अपन छोटी दिवाली के दिन जलाएंगे, छोटी दिवाली पे टेस्ट कर लेंगे इसको भी। देन ये कुछ छोटे स्काई शॉट्स हैं, और ये पेटी खाली हो गई है, ये अराउंड 5 स्काई शॉट है ये, और ये कॉर्नेशन के 3 बचे हैं।
और ये पेंटा स्काई फ्लैश, ये भी चार बचे और इनको तो शायद मैं आज ही टेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये अपन इधर रख देते हैं, ये स्काई शॉट साइड कर दिया अपने, फिर ये डब्बा खाली हो गया। ठीक है, पेटी को साइड कर देते हैं अपन। तो अब अपन बढ़ते हैं इस पेटी में और इसमें सारे ऊन बम है, बुलेट बम है, ठीक है, काफी भारी है और ये भी हल्दी रंग का है, वाह। और ये डब्बों को आप इग्नोर करना क्योंकि मेरे को यही अवेलेबल हुए हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूं, तो ऐसे ही ओपन है। ये अपन खोल लिए और इसके अंदर लड़ियां भी, ओके देख लो यार, आपको मैं दिखा देता हूं एक बार। ये देखो इसके अंदर इतने सारे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भारी है। तो फर्स्ट अपन बढ़ते हैं ये बुलेट, ये बुलेट का पाप है, बट टेस्टिंग वीडियो पे तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगा, ऐसे ही था ये, बट ठीक है, अपन इसको फिर से टेस्ट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे चलता है। ठीक है, इसको यहाँ रख दिया। देन ये कुछ और बुलेट्स हैं, सन इंडिया के हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये 6 पीसेस हैं सन इंडिया के। ये अराउंड आया था 25 रुपीज पर पीस। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लेना 6 का कितना हुआ। ये अपन इधर रख दिए। देन नेक्स्ट है ये कुछ और सूटली DLX बॉम्ब डायनासोर, ठीक है, ऊन बॉम्ब, और 3D साउंड इफेक्ट है, नाइस। और इसको मैं एक टेस्ट कर चुका हूँ, काफ़ी तेज आवाज है, आप टेस्टिंग वीडियो जाके देखना, काफ़ी बढ़िया चला था यार ये। ये अराउंड आया था 150 रुपीज़ तक का, 120 या 150 का आया था, इसको उतना याद नहीं है। और अब भी काफ़ी महंगे हो गए पटाखे, अगर अभी हम लोग इन सारे पटाखे जो यहाँ पे आपको फ्रेम में दिख रहे हैं, इसका अराउंड 25,000 रुपये मार्केट वैल्यू अगर मैं अभी कैलकुलेट करूँ, बट मैंने अराउंड मेरा खर्चा हुआ इसमें 15,000-16,000 हुआ है, बाकी अपन 3,000-4,000 की और खरीद लेंगे दिवाली के दिन। ठीक है, देन नेक्स्ट है कुछ लड़ियाँ, ये 100 वाला है और ये 200 वाला है, काफ़ी बढ़िया, 60 एंड 30 रुपीज़ तक का ये। ठीक है, और अब बढ़ते हैं और कुछ सुतली में, ये शेर शिकारा है, ये देखो, ये कुछ इस टाइप में है, और ये काफ़ी सारे मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, आपको अगर टेस्टिंग वीडियो देखनी है तो आप देख लेना। देन नेक्स्ट है ये कुछ और बुलेट, इसमें बना हुआ है थैनोस, ठीक है, ये कुछ इस टाइप में आता है, ये लोकल है बट काफ़ी तेज़ आवाज़ है इसकी। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं तुम लोकल क्यों लेते हो, तो भाई इसी के ले लेता हूँ मैं, कि एक तो सस्ते मिल जाते हैं और आवाज़ बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, तो ये यहाँ रख दिया। देन ये है ग्रीन हाइड्रो टॉप का, और ये वाले ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए, देखो कुछ इस टाइप में है। ठीक है, ये अराउंड आता है यार 20-30 रुपये तक में आ जाएगा आपका आराम से। देन नेक्स्ट है यार ये दो और सुतली, दोनों सेम ही है, बस ये वाला लोकल है, ये ब्रांडेड है, दोनों की आवाज़ ऑलमोस्ट सेम ही है, और ये आता है 40 रुपीज़ का, जैसे यहाँ पीछे लिखा हुआ है जहाँ से मैं लिया था, और ये आता है 50 रुपीज़ का, दोनों सेम ही आवाज़ है, बस थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस है। देन नेक्स्ट है और दो सूतली, तो इस बार मैंने ऊन बम काफ़ी सारे ले लिए, तो ये दो वेराइटी और है, दोनों सेम ही है, ये लास्ट ईयर का मतलब पीस है और ये इस साल का है, अराउंड ये आता है 80 रुपीज़ तक में, तो ये देख लो इसके अंदर 10 पीसेज है, क्योंकि जिस टाइप में आता है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो दो पीसेज हो गए, यहाँ रख दिया अपने। और ये है चार लड़ी, अराउंड ये है 60 रुपीज़ पर पीस, मतलब ये चार हो गए, मैंने 5 लिए थे 300 में, तो ये हो गया 240 रुपीज़ का, तो ये भी अपन यहाँ रख देते हैं। देन नेक्स्ट है ये कुछ और बुलेट, ये है सनशाइन के, ठीक है, और ये मैंने लिए थे अराउंड 50 रुपीज़ के, क्योंकि इस टाइप में काफ़ी तेज़ आवाज़ है इनकी, काफ़ी बढ़िया पीस है। देन नेक्स्ट है ये डबल साउंड, ये मैंने लिया था अराउंड 22 रुपीज़ का, काफ़ी बढ़िया पीस है अभी। फिर ये लास्ट है इसमें ये वाले सूतली, ये 80 रुपीज़ का था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ की, ये देसी है और देसी क्रैकर्स तो भाई बहुत मेरे को पसंद आते हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ बजते हैं। ठीक है, तो ये डब्बा भी खाली हो गया, इसको भी अपन इसी के साथ रख देते हैं ऊपर। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं ये स्काई शॉट्स में और रॉकेट्स में। ठीक है, तो पहले अपन इसी से चालू करते हैं, ये है चक्री और एक काफ़ी बढ़िया पीस है, मैंने इसको टेस्टिंग वीडियो में बनाया है, आपको शायद वो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस टाइप में आता है, ये मैंने लिया था 180 रुपीज़ का, और अभी तो ये 250-300 में बिक रहा है, काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया, काफ़ी बढ़िया पीस है, इसको अपन यहाँ साइड कर देते हैं। देन ये कुछ रॉकेट्स हैं, और ये शायद 3 रॉकेट बाहर आ गए हैं इसके, ये मैंने लिया था अराउंड 90 रुपीज़ का, ठीक ठाक रॉकेट है, मतलब सस्ते हैं, मतलब लोकल ही हैं, बट ठीक है, काफ़ी बढ़िया है, मतलब रेट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और जो लोग कहते हैं ना कि यार तुम ब्रांडेड पटाखे क्यों नहीं लेते, ब्रांडेड जलाओ, थोड़ा अच्छे जलाओ, तो यार देखो यहाँ पे ज़्यादा ब्रांडेड पटाखे मिलते नहीं है, मैं खुद सोनी के स्काई शॉट्स लेने के लिए गया था, बट सोनी के स्काई शॉट यहाँ मिलते नहीं है, जो भी मिलते हैं वो 2-3 पीसेज ही होते हैं, तो वो मैं लेता नहीं हूँ। ठीक है, तो मेरे को ये मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया जल जाते हैं, तो ये मैं ले लेता हूँ। ये दो रॉकेट हो गए, देन ये है जैक एंड जिल,
25 शॉट्स, ये अराउंड 500 रुपीज का है और अभी तो है 650 रुपए का हो गया, ठीक है, काफी बढ़िया है। और बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना, पार्क में दो तीन लोग हैं मतलब चिल्लाते रहते हैं, वो इग्नोर करना आप लोग बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। तो ये भी अपन साइड कर देते हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट है ये ईगल का रॉकेट, और ये थोड़ा सा महंगा रॉकेट है, बट मैं इसको जलाया था, काफी बढ़िया जला था, मेरे को लगा था कि यार मैं फालतू पैसे बर्बाद हो गए, बट ठीक था, 180 रुपीज का मैंने लिया था। फर्स्ट रॉकेट तो बेकार जले था, उसके बाद मैंने दो और ट्राई किए, काफी बढ़िया रॉकेट है भाई, बट महंगा मिल गया मेरे को 180 रुपए का, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये सारे हो गए डब्बे में, तो इसको अपन रख देते साइड पे, तो ये काफी भारी हो गए है, इसको अपन यहाँ रख दिए हैं, और ये भी पेटी खाली हो गई, तो इसको भी अपन यहाँ रख देते हैं। देन लास्ट बढ़ते हैं यार, ये सबसे बड़ी पेटी है, उसके अंदर काफी सारे पटाखे हैं, सबसे भारी यही पेटी है, ठीक है। तो मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से अपने को ओपन करना होगा, ठीक है, यहाँ से काट देता हूँ। तो भाई ये मैंने कर लिया ओपन, तो सबसे पहले आप डब्बे में देख रहे होगे, ये रखा है 25 शॉट्स, ये मैंने लिया था अराउंड 300 रुपीज का, 250-300 तक में मैं लिया था, अभी तो महंगा हो गया। इसको भी अपन टेस्ट करेंगे बहुत जल्दी, यहाँ पबजी का कैरेक्टर बना हुआ है BGMI का, ठीक है, इस पर साइड कर दिया है। देन नेक्स्ट डे कुछ हंटर पड़े हैं जो मेरा फेवरेट है, ये भी काफ़ी बढ़िया होते हैं, यहाँ रख देते हैं। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं फुलझड़ी में, एक ये फुलझड़ी है और दो तीन फुलझड़ियाँ और पड़ी हैं, काफ़ी बढ़िया पीछे, मत मैं उतना फुलझड़ी लेता नहीं हूँ, उतना मेरे को पसंद नहीं फुलझड़ी, मैं ये हंटर से ही काम हो जाता है मेरा, ठीक है। तो ये अपन यहाँ रख दिए। देन ये कुछ चक्री प्लस अनार है, इसको भी मैं टेस्ट किया हुआ, काफ़ी बढ़िया पीस है, अब नेक्स्ट टेस्टिंग वीडियो में देखना, पहले मैं सोचा अपन मेन स्टैश डाल देते हैं, उसके बाद अपन टेस्टिंग वीडियो डाल देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है ये कुछ डिस्को व्हील, ये भी एक मैंने टेस्ट कर चुका हूँ, काफ़ी बढ़िया पीस है, ये मैंने लिया था अराउंड 120-130 रुपीज तक का आया था, उससे महंगा ही था, उतना याद नहीं मेरे को, क्योंकि इतने सारे पटाखे सबका मेरे को याद नहीं रहता रेट, ठीक है। देन नेक्स्ट है ये सन इंडिया के अनार, और भी अनार है मेरे पास काफ़ी सारे, और ये कुछ और अनार है, ये एक्समस ट्री है, इसको अभी तक मैं टेस्ट नहीं किया हूँ, 100 रुपीज़ का लिया था मैं, ठीक है, और ये अराउंड 120 रुपीज़ का था, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ रख देते हैं। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ एंग्री बर्ड्स वाले अनार में, और ये 300 रुपये का है, 6 पीसेज हैं इसके अंदर, ये देख लो, और इसको भी अपन टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अंदर है एंग्री बर्ड्स, हेडे, क्लैश ऑफ क्लैंस और थंडर बर्ड, काफ़ी सारे हैं, तो ये भी अपन टेस्ट करेंगे, ये अपन यहाँ रख देते हैं। देन नेक्स्ट है कुछ लॉलीपॉप, और ये काफ़ी यूनिक था, क्रैकलिंग इफेक्ट आता है इसका, काफ़ी बढ़िया आइटम है, और ये सारे ग्रीन पटाखे ही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्पेशल, ये भी अनार है, ये देख लो, ये अराउंड आया था 50 रुपीज़ का, काफ़ी बढ़िया पीस है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं ये ग्राउंड चक्कर, अराउंड ये मैंने लिया था 100 रुपीज़ का, इससे एक पीस मैंने टेस्ट कर लिया, काफ़ी बढ़िया आइटम है, ये भी इसको साइड कर देते हैं। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं ये कुछ रॉकेट्स में, ये एक्को रॉकेट है, अराउंड 100 रुपीज़ का लिया था, काफ़ी बढ़िया आइटम है यार ये, और ये थोड़ा यूनिक टाइप में, देखो कि कुछ इस टाइप में आता है, काफ़ी मतलब ये यूनिक लगा तभी मैं ले लिया, तो इसको भी अपन साइड कर देते हैं। देन नेक्स्ट है ये कुछ हेलीकॉप्टर में, ये भी काफ़ी यूनिक आइटम है यार, ये देखो ये कुछ इस टाइप में आता है, इसकी टेस्टिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी है, आप चैनल पे जाके देख लेना। देन नेक्स्ट है ये कुछ 12 शॉट्स, ये मैंने लिए थे अराउंड 120 रुपीज़ के, काफ़ी बढ़िया पीस है ये, इसको भी अपन यहाँ रख देते हैं। देन नेक्स्ट है ये कुछ डबल साउंड, कल की वीडियो में मैंने इसको टेस्ट किया था तो उसके अंदर डाल दिया, ये भी काफ़ी बढ़िया आइटम है। देन नेक्स्ट है ये मिल गया मेरे को RCB का स्काई शॉट, इसको मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, ये ओपन भी है तो मैं दिखा देता हूँ, देखो ये कुछ इस टाइप में आ, और काफ़ी बढ़िया इसका इफेक्ट आया था। अब इसके बाद अपन टेस्ट करेंगे KKR का, देन उसके बाद टेस्ट करेंगे अपन मुंबई इंडियंस का, ठीक है। तो ये अपन साइड कर देते हैं, यहीं रख देते हैं। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन ये कुछ फोटो फ्लैश में, ये भी काफ़ी बढ़िया आइटम है, तो एक बार आप पीछे आवाज़ सुनो बैकग्राउंड नॉइज कुछ ज़्यादा ही चिल्लाते हैं भाई लोग। देन नेक्स्ट है कॉकटेल फाउंटेन, ये मैंने लिया था 240 रुपीज़ का, अभी तो ये 300 रुपये तक पहुँच गया इसका रेट, ठीक है, 100 रुपीज़ पर पीस हो गया, काफ़ी बड़ा काफ़ी बढ़िया इफेक्ट है इसका, तो इसको भी अपन फिर से टेस्ट करेंगे, ये अपन यहाँ रख देते हैं। देन नेक्स्ट है कुछ और अनार, ये वाला लोकल है, ये वाला ब्रांडेड है, दोनों अच्छे हैं, बस इसका इफेक्ट थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा देर तक चलता है, काफ़ी बढ़िया पीसेज है दोनों, ये अराउंड 45 का है, ये 65 का है, तो आप कैलकुलेट कर लेना। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ मटके अनार में, दो दो मटके अनार है, एक ये है अराउंड आया था ये शायद 200 रुपीज़ का, और ये वाला 150 का आया था, दोनों काफ़ी बढ़िया हैं, अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किए हैं बट टेस्ट करेंगे बहुत जल्दी के, इसको अपन यहाँ रख देते, देखो भाई काफ़ी सारे यहाँ पे पटाखे हो गए,
मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे भी। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं ये कुछ सांप की गोलियों में। उतना मैं फैन नहीं उसका, काफ़ी ज़्यादा धुआं कर देते हैं ये और काला धुआं करते हैं, बहुत गंदा लगता है मेरे को, बट ठीक है मैं ले लिया। मतलब कोई बच्चे आ जाते हैं उनको अपन दे देते हैं कि भाई जला लो, क्योंकि ये बड़े पटाखे तो वो जला नहीं पाएंगे, तो अब उनको ये छोटे मोटे दे देते हैं। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं यार ये रेड स्पार्कल्स में, ये अराउंड 70 rupees का था, ये दीदी ने लिया है और इसमें सारे दीदी के भी पटाखे मिक्स कर दिए जो आपने कल की वीडियो में देखा होगा, तो ये भी काफ़ी बढ़िया आइटम है, ये यहाँ रख देते हैं। देन नेक्स्ट है 1000 वाला, ये अराउंड मैंने लिया था 20-30 rupees तक में लिया था, उससे भी सस्ता मिल जाता है, उससे महंगे भी मिल जाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है ये भी, ये अपन यहाँ रख देते हैं। देन नेक्स्ट है ये कुछ पुलिंग थ्रेड, ये 15 rupees की थी, काफ़ी बढ़िया पीस है यार ये भी। देन नेक्स्ट है ये कुछ और अनार, ये 80 rupees के थे, ये देखो कुछ इस टाइप में, ये वाला लोकल है बट काफ़ी बढ़िया फिर कैसा, ठीक है तो ये अपन यहाँ रख देते हैं। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ सेल्फी स्टिक में, ये राउंड मैंने लिया था 150 rupees का, इसको अभी टेस्ट नहीं किया हूँ बट टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। देन यहाँ तो खाली हो गया है तो इसको मैं ऐसे मोड़ लेता हूँ क्योंकि इधर पटाखे पड़े। ये है एक और बुलेट इसके साथ था, ठीक है। ये है हीरा मोती, ये छोटे वाला अनार है, काफ़ी बढ़िया ये भी पीस है। देन ये है, ये तो होली का आइटम है, मैंने इसी में मिक्स कर लिया, मैजिक कलर फाउंटेन है। आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको इसकी टेस्टिंग वीडियो अभी दिवाली के टाइम देखनी है तो मैं टेस्ट कर लूँगा इसको। देन नेक्स्ट है किटकैट, चटर बटर होते हैं, ये राउंड मैं लिया था 30 rupees का, सस्ता भी मिल जाता है, मैं थोड़ा महंगा ले लिया इसको, कोई बात नहीं, इसको यहाँ रख देते हैं। देन नेक्स्ट है ये कुछ जुगनू बुलेट, ये भी काफ़ी बढ़िया है, इसको फोटो फ्लैश से कंपेयर कर सकते हो। ऑल राइट, मेरा कैमरे का कार्ड ही भर गया, तभी मैं आपको मोबाइल से दिखा देता हूँ। देन नेक्स्ट है यार ये मेरे पास कुछ पानी वाले बम, ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया आइटम है, ये मैंने लिया था अराउंड 15 rupees का, ये अपन यहाँ रख देते हैं। देन नेक्स्ट है कुछ चटर बटर, ये 5-5 rupees के आते हैं, काफ़ी बढ़िया पीस है। देन नेक्स्ट बढ़ने को डिस्को फ्लैश में, ये अराउंड मैंने लिया था 80 rupees का, जैसे यहाँ पे देख लो, काफ़ी महंगा था बट ठीक आइटम है, इसके अंदर 6 pieces होते हैं, तो इसके अंदर देख लो अराउंड 6 pieces होते हैं, काफ़ी बढ़िया पीस है भी। देन नेक्स्ट है कुछ होली का आइटम है, ये कलर क्रैकर्स हैं, ये मैंने लिया था अराउंड 25 rupees का, और आप कमेंट करके बताना अगर आपको इसकी टेस्टिंग वीडियो अभी देखनी है दिवाली के टाइम तो मैं ले आऊँगा, इसको यहाँ रख दिए। देन नेक्स्ट है कुछ गंगा जमुना, दोनों अलग अलग कंपनीज़ के हैं, ये लोकल है, ये वाला ब्रांडेड है, ये अराउंड आया था 60 rupees का, ये वाला 50 rupees का, ठीक है। तो भाई ये देखो इस डब्बा खाली हो गए, अपन यहाँ रख देते हैं। तो भाई देखो इतने सारे हो गए पटाखे इस बार दिवाली के लिए 2021 के लिए, और इसका अराउंड वर्थ होगा 15,000 के प्लस, ठीक है। मैं टोटल कैलकुलेट किया नहीं हूँ बट जितना मैंने अभी तक स्पेंड किया है अराउंड 15,000-16,000 हो गया है विद डिलीवरी चार्जेस, और ये सारे मैंने डब्बे रख दिए। तो यार ये देख लो इतने सारे हो गए, अराउंड 12 shots, ये यूनिक सारे हैं स्काई शॉट। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब। और मैं चालू किया था ये स्टैश का वीडियो बनाने को अराउंड 2:30 बजे से, और अभी कुछ अराउंड हो गए 5:18 जैसे आप यहाँ देख लो, क्योंकि यार मैं पैक कर रहा था और सबका मैं रेट देख रहा था, क्योंकि यार सबका रेट मेरे को याद नहीं रहता, तो जो भी मैंने लिस्ट बनी थी मेरे को, मतलब वहाँ से बिल मिला था उसमें मैं रेट देख के आप सभी को बता रहा था। तो आप लोग बताना आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और ये अराउंड 20,000 rupees तक के पटाखे हो गए हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अराउंड 16-17,000 के मैंने खरीदे होंगे, जिसमें से 3-4 हज़ार के मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, और दिवाली के एक दिन पहले या धनतेरस पे अपन और पटाखे खरीदने जाएंगे। तो वो सब वीडियोज़ देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एंड तक अगर देख रहे हो तो कुछ कमेंट कर देना जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आप एंड तक देखे हो। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा जो लोग यार कमेंट ऐसा करते हैं कि आपने पटाखे उधार में लिए हैं, और मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े थे तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, आप दुकान से ले आए उनको बाद में वापस कर दोगे, तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ यार आप किसी को ऐसे कमेंट मत करो जब तक आपको पूरी बैक स्टोरी पता ना लगी हो, जब तक आप 100% श्योर नहीं हो किसी चीज़ के लिए यार ऐसा कमेंट मत किया करो, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और यार काफ़ी मतलब टाइम लग गया इस वीडियो को शूट करने में, और सुबह से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन चल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तभी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा वीडियो में कट्स थे, बट किसी तरह मैंने वीडियो को बना लिया। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, लाइक ज़रूर छोड़ देना, 5,000 लाइक्स का टारगेट है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, मैंने डब्बे तो खोल लिए बट इसको पैक कौन करेगा यार, इतने सारे हो गए, अब पैक करने में मेरे को आधा 1 घंटा लगने वाला है।